हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर। और मैं हूं आपके साथ पुष्टा मिराज सर। आज हम लोग बात करेंगे मिलाजमा के बारे में। होता क्या है कि कई लोग के चेहरे पर काले काले चकत्ते बन जाते हैं, जिसे झाइयां कहते हैं। ठीक, वो जल्दी ठीक भी नहीं होता, बहुत लोग परेशान होते हैं, ज़्यादातर महिलाओं में ऐसा देखा गया है। ठीक, तो आज हम लोग समझेंगे इसका क्या कारण है और इसका हम बचाव कैसे करेंगे और इसका इलाज क्या हो सकता है। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए भाई, अगर हम बात करें इसका कारण की, तो ज़्यादातर देखा गया है कि ये जेनेटिकली होता है। जेनेटिकली का मतलब कि ये आनुवंशिक होता है। अगर आपके परिवार में किसी को हुआ है तो ये आपको भी हो सकता है। जैसे कि अगर माँ को हुआ है तो ये अगर बेटी में भी ये हो सकता है। जेनेटिकली भी ये होता है। और अगर हम बात करें कॉस्मेटिक चीज़ों की, तो ज़्यादा कॉस्मेटिक चीज़ों को लगाने से, मेकअप के जो भी कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल करने से भी चेहरे पर क्या ये झाइयाँ हो सकती हैं, काला काला ये धब्बा चेहरे पर दिख सकता है। पेंड्रम जो क्रीम आता है, ठीक है, ज़्यादातर लोग गोरा होने के लिए पेंड्रम लगाते हैं। तो भाई यह जो है ना, यह पेंड्रम जो क्रीम है, यह स्किन को पतला कर देता है। जब स्किन पतला होगा तो जाहिर सी बात है वो काला पड़ जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो पेंड्रम जो क्रीम है ना, यह मेडिकेटेड क्रीम है और यह इन्फेक्शन वगैरह में लगाया जाता है। तो कभी भी आप डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी मेडिकेटेड क्रीम आप लगाएं। ठीक, ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर के कारण भी चेहरे पर ये झाइयाँ पड़ सकती हैं। जैसे कि सूर्य से क्या निकलता है भाई, सनलाइट से निकलता है अल्ट्रा वायलेट रेज, राइट। ज़्यादा हम धूप में रहेंगे तो हमारे त्वचा के अंदर आपको पता है कि इस स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, और उन कोशिकाओं में मेलानिन बनता है, जो कि काले ही रंग का होता है या सांवलापन बॉडी में ला देता है। तो होगा क्या कि जब ज़्यादा सूर्य लाइट पड़ेगा, सनलाइट पड़ेगा, तो ये जो मेलानोसाइट जो होती है हमारी कोशिकाओं के अंदर स्पेशल प्रकार की, ये एक्टिव हो जाती हैं और ज़्यादा मेलानिन जमा होने लगता है। तो यह जो है कि झाइयाँ वगैरह आ सकती हैं। मेलानिन पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी के कारण भी जो है कि झाइयाँ चेहरे पर पड़ सकती हैं। प्रेगनेंसी में भी होता क्या है कि ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कई हार्मोनल चेंज के कारण भी चेहरे पर झाइयाँ वगैरह आ सकती हैं। अब बात करते हैं कि इसका हम बचाव कैसे करें, कुछ टिप्स जान लेते हैं जिसके चलते हम अपने चेहरे पर झाइयों से बच सकते हैं। ठीक है, इसका बचाव के लिए हमको क्या करना होगा, न्यूट्रिशनल डाइट लेना होगा। न्यूट्रिशनल डाइट में जैसे कि हरी पत्तियाँ हो गई, प्रोटीन रिच फूड हो गए, ज़्यादा मात्रा में आप पानी पीजिए, ककड़ी तरबूज का प्रयोग करिए और बॉडी जो स्किन है उसको मॉइस्चर रखे, ड्राई ना होने दे। ठीक, और कोई भी केमिकली जैसे कि साबुन हो गया, क्रीम हो गया, इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप जो न्यूट्रिएंट ले नहीं सकते हैं उसको आप लगा सकते हैं, जैसे कि दही हो गया, ठीक है, दही की छाछ हो गया, बेसन हो गया, उसको आप चाहे तो मॉइस्चर के लिए अपनी त्वचा पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ठीक है, और हाइजेनिक मेंटेन करना। हाइजेनिक का मतलब ये होगा कि जैसे कि आप अपने बिना धुले हाथों को अपने मुंह के त्वचा पर टच ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें जर्म हो, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो कभी भी हाथ को साबुन से धुलकर या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके हाथों को साफ करें, उसके बाद ही यानी कि जर्म फ्री करना अपने हाथों को आपको, ठीक है, तो तब जाके टच करें। ठीक, और अगर हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, तो वैसे तो एक क्रीम आती है स्किन साइन, बहुत लोग गोरे होने के लिए लगाते हैं। ठीक, तो वैसे तो कभी भी आप डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी मेडिकेटेड क्रीम यूज करिए, तो मेडिकेटेड ही क्रीम है। ठीक, इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्विनिन, जो कि त्वचा के अंदर जो मेलानोसाइट है उसको जो है कि एक्टिव होने से या उसे ख़त्म करता है। ठीक, तो इससे आप चाहो तो इसका इस्तेमाल करके, वो भी डॉक्टर की सलाह से ही, और ज़्यादा लंबा डोज इसका नहीं लगाना है भाई, 10 से 15 दिन ही लगाना है। ज़्यादा लंबे समय तक लगाने से ओवर डोज इसका नुकसान कर सकता है और वो कालापन भी इससे आ सकता है। तो डॉक्टर की सलाह के द्वारा आप 10 या 15 दिन तक इसका यूज़ करें, तो हो सकता है कि जो झाइयाँ हैं ये ठीक हो सकती हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही साइंटिफिक नॉलेजेबल वीडियोस को देखना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।